नमस्कार फ्रेंड्स। तो यहाँ पे मैं आज बनाने जा रही हूँ आलू मेथी की सब्ज़ी मेरे स्टाइल में। हर किसी को सब्ज़ी अपने अपने तरीके से बनानी पसंद होती है, लेकिन जो जिस स्टाइल से मैंने बनाई है ये सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी होती है खाने में। तो फिर अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो सबसे पहले मैंने मेथी अच्छे से छान ली है, उसमें से जो कूड़ा करकट सा सब हटा लिया और जो अच्छे पत्ते हैं उनको निकाल दिया और कोमल कोमल डंठल। तो इसमें सबसे पहले मैंने एक बड़ी बाल्टी ले ली है और उसमें पानी भर करके उसमें मैंने मेथी को डुबो दिया है। ये देखिए मेथी को मैंने इस तरीके से 2-3 बार पानी से धोया, जिससे कि जो भी उसमें कूड़ा करकट हो वो साफ़ हो गया। अब मैंने गैस में कढ़ाई रख के उसमें मैंने सरसों का तेल डाल दिया है और तेल गर्म होने के बाद मैंने ये आलू डाले हैं। आलू मैंने पतले पतले काट के रखे थे और अब मैं फुल फ्लेम में इन आलूओं को फ्राई करूँगी। आलू हमको ज़्यादा गोल्डन ब्राउन होने तक नहीं फ्राई करने हैं, ये हमको 50% कुक करना है यहाँ पे। आलू फ्राई होने के बाद अब मैं इनको गैस से निकाल दूंगी, हमको ये ज़्यादा ब्राउन नहीं करने हैं, सॉफ्ट ही रखने हैं इनको, हमको 80% तक कुक करना है यहाँ पे। और अब मैं इसमें से थोड़ा तेल कम कर लूँगी और सेम कढ़ाई को मैं गैस पर ही रहने दूँगी और इसमें अब मैं डालूँगी तड़का। तड़के के लिए मैंने लिया है यहाँ पे जीरा और जख्या, इसका तड़का बहुत अच्छा होता है मेथी में। तड़के के बाद मैंने गैस को तेज़ करने के बाद मैंने अब यहाँ पे डाल ली है मेथी जो कि मैंने काट के रखी हुई थी। अब मैं इस मेथी को फ्राई करूँगी, यहाँ पे भूनूँगी। और मेथी की सब्ज़ी भूनने के बाद बहुत कम हो जाती है। देखिए अब मैं इसको अच्छे से यहाँ पे मिक्स कर रही हूँ तड़के में। थोड़ी देर में हमारी मेथी कम हो चुकी है फ्राई होके और अब मैं इसमें डालूँगी फ्राई किए गए आलू। देखिए यहाँ पे मैंने आलू मिक्स कर लिए हैं, इसमें हमको ज़्यादा मसाले डालने की भी ज़रूरत नहीं होती है, ये बहुत ही टेस्टी होती है खाने में। मैं यहाँ पे आलू और मेथी को अच्छे से मिक्स कर दूँगी और गैस को अभी मैंने फुल तेज़ में रखा हुआ है, गैस तेज़ करके ही इसको फ्राई करना है। और अब मैंने इसमें डाल दिया है नमक, स्वादानुसार नमक और हल्की सी हल्दी, धनिया और हल्की सी मिर्च। मसालों को अच्छे से मिक्स करने के बाद अब मैं इस सब्जी को ढकने के लिए रख छोड़ दूंगी और जब तक ये मसाले पकें, थोड़ा बीच बीच में इसको पलटाते भी रहना है और इस सब्जी को नीचे लगने तक पकाना है। जब ये नीचे लगेगी तो इसका स्वाद और भी अच्छा होगा।